गाइस वेलकम टू रैंडम Amazon हॉल पार्ट 11। अगर आपने मेरे रैंडम Amazon हॉल सीरीज के और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखना, आई होप आपको वो वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो यस, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है अभी। अभी मेबेलिन ने उसका एक फाउंडेशन लॉन्च किया है, विच इज सुपर स्टे मेबेलिन 30R ल्यूमी मैट फाउंडेशन। आई एम श्योर आप सबने इस फाउंडेशन को देखा होगा, अभी सब जगह लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे पंप है इसमें, हर कोई अभी इसी के बारे में बात कर रहा है। इंस्टाग्राम खोलो, आपको यही फाउंडेशन दिख रहा है हर जगह। मेरी पूरी फीड पे ये फाउंडेशन भरा हुआ है, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, हर जगह ये फाउंडेशन है। तो जैसे ये लॉन्च हुआ था ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनाई गई थी, बहुत बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने खरीद खरीद के भी रिव्यू किया है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी इसे परचेज कर लिया एंड मैं 1 वीक से इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि जब मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊँ तो जस्ट सिर्फ दिखाऊँ ही नहीं, मैं क्विक मिनी रिव्यू दे दूं कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं, बिकॉज मैंने इसको खुद से खरीदा है। मेरे फेस पे अभी यही लगा हुआ है, एज यू कैन सी। तो अगर आप ये फाउंडेशन खरीदने का सोच रहे हो देन जस्ट लिसन टू मी, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले बात तो जैसे इसमें लिखा है ल्यूमी मैट, एग्जैक्टली ये ऐसा ही है। ये एकदम से मैट 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 नहीं है, जैसे बहुत सारे मैट फाउंडेशन होते हैं एकदम पेंट जैसे लगते हैं या फिर बहुत हैवी लगता है स्किन के ऊपर या फिर स्किन जैसे स्ट्रेची सी लगने लगती है। ये मैट है बट इसकी बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्ट मैट एंड थोड़ी सी एक्चुअली ल्यूमिनस फिनिश है। मुझे पर्सनली जो लगा, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। जो के ब्यूटी का फाउंडेशन आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाउंडेशन, जो ये कैटरीना का, ये के ब्यूटी का ये फाउंडेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेबेलिन ने उसी को ड्यूप करने का ट्राई किया है एंड आपने ये खरीदा है, आपने इसे यूज़ किया है। इसका ना बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, ये आपके अगर कोई स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स, लाइट पिगमेंटेशन, लाइट स्पॉट को भी उतना कवर नहीं करता है। बहुत शीयर कवरेज फाउंडेशन है, लाइक एवरीडे टाइप, बट बहुत लोगों को एवरीडे के लिए भी थोड़ा सा कवरेज चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं यही यूज़ करती थी बट लास्ट 1 वीक से मैं सिर्फ इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये के ब्यूटी वाले फाउंडेशन में थोड़ा सा कवरेज ऐड कर दो तो ये एग्जैक्टली वैसा बन जाएगा। ना एकदम से मैट है, ना एकदम से ड्यूई है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, बट इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर, मेकअप स्पंज से बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे ही मैं इसे स्पंज से अप्लाई करती हूँ सारा प्रोडक्ट स्पंज में ही चला जाता है, मेरे स्किन के ऊपर कुछ आता ही नहीं है ढंग से, वो बिल्कुल शीयर भी नहीं रह जाता है। ओके, इस फाउंडेशन के साथ में भी सेम प्रॉब्लम था, ये भी स्पंज के साथ प्रॉब्लम देता है। ये पूरा प्रोडक्ट जो है इसका वो स्पंज में चला जाता है एंड ये सेम चीज इसके साथ में भी है। यस, मैं आपको शेयर करना चाहती थी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट इसमें कम कवरेज है, इसमें ज्यादा कवरेज है बट बहुत स्किन लाइक है। कवरेज होने के बाद में भी बिल्कुल हैवी केक की नहीं लगता है, मेरे फेस पर देख सकते हो। एंड मैं आपको मेरा शेड भी बता दूंगी, उसके पहले बता देती हूँ, स्पंज से बिल्कुल भी मत अप्लाई करना, आपका फाउंडेशन सिर्फ वेस्ट होगा, सारा स्पंज में घुस जाएगा। मेकअप अप्लाई करने के बाद आपको चाहिए तो हल्का सा आप स्पंज से हल्का हल्का सा डैब कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा जोर जोर से डैब मत करना वरना वो फिर आपकी स्किन से भी वो निकलने लगता है, उठने लगता है फाउंडेशन। स्पंज के साथ ये फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जाता। जो फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश आती है, आपको मैं इमेज डाल दूंगी किसी को समझ नहीं आया तो, उसके साथ ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है आपकी स्किन के ऊपर। जो फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश आती है या बेस्ट है फिंगर से ब्लेंड करने के लिए, फिंगर से ये बेस्ट 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 ब्लेंड होता है बिल्कुल पूरे फेस के ऊपर अच्छे से। थोड़ा सा वन पंप पूरे फेस और नेक पे लग जाता है। इसकी सीरम लाइक कंसिस्टेंसी, ये मैं बताना भूल गई, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई इसकी ना सीरम वाली कंसिस्टेंसी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तीनों ही स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो आप पोर फिलिंग प्राइमर लगा लो और आप बिंदास यूज करो। ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी ये के ब्यूटी मेरा फेवरेट था इसके पहले और अभी ना मेरा ये फेवरेट हो गया है। मैंने खुद खरीदा है और अब मैं इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ तो सोचो जिनको स्पॉन्सर से मिली होगी तो कितनी तारीफ कर रहे होंगे। मेरा शेड है 228 और ये मेरा एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच। तो आपको लगता है कि आपका मेरा स्किन टोन मैच करता है तो आप ये 228 ले सकते हो। मैं आपको उसका स्वॉच दिखा रही हूँ, एज यू कैन सी एकदम सीरम जैसा है। फिंगर से ब्लेंड करोगे ना ऐसे अच्छे से, इजीली मक्खन की तरह स्प्रेड होता है ये।
एज यू कैन सी ये बिल्कुल स्किन में चला गया, स्किन की तरह लग रहा है ना, ये टेक्सचर को एनहेंस करता है ना ये फाइन लाइन एनहेंस करता है। सो अगर आप ये लेने का सोच रहे थे आंख बंद करके ले सकते हैं। सो यार ये था इस फाउंडेशन का एक मिनी रिव्यू, और अगर आपके पहचान में कोई ये फाउंडेशन लेने का सोच रहा है आपके फ्रेंड्स में कजन में, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया, उनके रिकमेंडेशन में मैंने लिया था, उनका नेम भूल गई, आई एम रियली सॉरी। सो एंड आई लव दिस प्राइमर, ये मेबेलिन का ही प्राइमर है। मैं फाउंडेशन ले रही थी तो मैंने सोचा लगे यार प्राइमर भी लेते हैं। यह है मेबेलिन फिट मी का ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर। इसमें मेरे पास ना एक मैट प्राइमर था इसका, दूसरा जो ब्लू वाला आता है, मैं उसकी इमेज डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है। वो मुझे पीआर में आया था, वो मैंने शेयर किया था कि मेबेलिन ने मुझे पीआर में क्या क्या सेंड किया है। तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि दी इसका जो ड्यूई वाला आता है ना आप वो ट्राई करो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। पोर को फिल नहीं करता है, आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, टेक्सचर का प्रॉब्लम है, ये वो तो नहीं करता है, बट स्किन को एक बहुत ब्यूटीफुल ड्यूई मैंने लगाया आज इस पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वाइट कलर का है, ऐसे है ये भी, मैं 1 वीक से यूज कर रही हूँ अभी। स्किन को बहुत ब्यूटीफुल हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये, ऐसी सी कंसिस्टेंसी है, ऐसे सी यहाँ पे मैंने लगाया, कितना शाइनी लग रहा है और यहाँ से मैट लग रहा है। सो यार जिसने भी ये सजेस्ट किया था थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली ग्लोई ड्यूई ऐसा मेकअप पसंद है, एकदम मैट सा मुझे उतना नहीं पसंद, समर में भी नहीं पसंद, हेल्दी स्किन वाला ग्लो आता है इस पर्टिकुलर प्राइमर से, या ये मुझे बताना था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि मैं कोई प्रोडक्ट ट्राई करूँ, आपकी रिकमेंडेशन भी, आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करूंगी। नेक्स्ट मैंने लिया था एक आई मास्क। बहुत लोगों के पास होता है आई मास्क, एंड मोस्ट आई मास्क के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप उसको पहन लेते हो, जब निकालते हो ना, तो यहाँ पे दाग जैसा पड़ जाता है, वो एक इम्प्रेशन जैसा आ जाता है बिकॉज उस इलास्टिक की वजह से। एंड जब मैंने रिव्यूज देखे ना, मैं एक अच्छा आई मास्क ढूंढ रही थी जिससे वो इम्प्रेशन जैसा ना आए और जिसमें वो जेल वेल डालने वाला भी ना हो, सॉफ्ट कम्फर्टेबल रहे। मुझे ढूंढने के बाद अमेजोन पे मिला ये, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बोल्ड फिट। इस पर्टिकुलर ब्रांड का मेरे पास काफी सारा सामान है एंड मुझे इसके पर्टिकुलर इस ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। ऐसे है आई मास्क, क्यूट पिंक है, इसमें और कलर भी थे, मैंने ये पिंक लिया है, यहाँ पे लिखा है बोल्ड फिट। एंड ये ना पीछे से ऐसा एडजस्टेबल वाला है, एज यू कैन सी इलास्टिक है ये, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए। बहुत टाइट बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो जितना भी आपको पसंद हो जैसा भी, उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके आप। मैं लास्ट 2 वीक्स से इसे रेगुलर यूज कर रही हूँ सोते वक्त। ऐसे है ये, एंड बहुत सॉफ्ट है, वेलवेटी है, इसके अंदर वो जेल डालने वाला नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। वो जो रहता है ना जेल वेल डालने वाला, वो थोड़ा कूल तो लगता है लेकिन जब उसको पहन लो ना, थोड़ी देर बाद उसकी ठंडक भी चली जाती है जेल की, एंड ऑल्सो उसकी वजह से ना हैवी हैवी सा लगता है, वो एक इंप्रेशन आ जाता है, एंड वो साइंस ऑफ एजिंग बन जाता है आगे जाके, वो इंप्रेशन इंप्रेशन लाइन लाइन जो भी आपकी फेस पर आती है उस आई मास्क से। इसीलिए मैं अच्छा आई मास्क ढूंढ रही थी जिससे वो दाग दाग ना बने मेरी स्किन पे। तो अगर आप भी मेरे जैसे कोई ऐसा आई मास्क ढूंढ रहे थे जिससे वो दाग ना बने स्किन के ऊपर, साइंस ऑफ एजिंग ना आए, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं 2 वीक से ट्राई कर रही हूँ, बिल्कुल पूरा अंधेरा हो जाता है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। सो या ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप इसको ले सकते हो। सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। एंड नेक्स्ट जो है वो समर के लिए बहुत एसेंशियल है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी स्किन बहुत 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 जल्दी टैन हो जाती है, लाइक ऐसे करके मेरी स्किन टैन हो जाती है, एंड मेरी स्किन से टैनिंग जाती भी नहीं है, बिकॉज तो विंटर में भी टैन आ जाता है। तो मैंने लिया था एक स्क्रब जो एक्चुअली टैन रिमूवल स्क्रब है, ये है द सोमी स्कैन का मिल्क मास्क स्क्रब। ऐसे है ये सील है एकदम। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मेरे पास ये ऑलरेडी एक है जो मैं यूज कर रही हूँ, ये 2 है, मैंने इसको रीपर्चेज किया, तो मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है अंदर से। सो एज यू कैन सी कि मैंने इसको रीपर्चेज किया है, तो मुझे कितना पसंद होगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो अगला वीडियो देख लेना, वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर स्क्रब का एक मिनी रिव्यू दे देती हूँ आपको। ये क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी नॉर्मल जो रेगुलर स्क्रब आते हैं काफी वो मोटे मोटे दाने रहते हैं, जिससे स्किन में आप यूज करो ना थोड़े से कभी कभी ऐसा लगता है कि स्किन छिल भी गई, बहुत बार लगता है, इससे आपको बिल्कुल वैसा नहीं लगता है। रेगुलर स्क्रब्स जो होते हैं
उनको आप वीक में दो बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसको यू कैन यूज़ एवरी डे, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो। डेली आप घर से बाहर गए हो, घर आए हो, इसको थोड़ा सा फेस वॉश करके डैम्प स्किन के ऊपर इसे जस्ट स्क्रब कर लो, 5 मिनट रख के धो लो, जो भी टैनिंग हुई है वो उतर जाएगी। मेरी स्किन पे इतनी टैनिंग थी मैं क्या ही बताऊँ, जितनी भी मेरी स्किन से टैनिंग निकली है ना वो स्क्रब की मेहरबानी है। इसी की वजह से मेरी स्किन से टैनिंग मेरा फेस और नेक से रिमूव हुई है। मेरा नेक जो है ना, मेरे पुराने वीडियोज देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे फेस के कंपेरिजन में बहुत डार्क था, मेरा फोरहेड बहुत डार्क था मेरे रेस्ट ऑफ द फेस से। अभी नेक की टैनिंग काफ़ी कम हो गई है, यहाँ यहाँ तक बिल्कुल डार्क डार्क पैच दिखते थे, अब बहुत हल्के हो गए वो पैच, इसकी वजह से है फोरहेड भी की टैनिंग कम हो गई है। एंड ऑल्सो मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है एंड काफ़ी मेरे पहचान में लोगों ने यूज़ किया है, अगर आप वुड बी ब्राइड हो तो आपने ब्राइडल स्किन केयर में इसको इंक्लूड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, एवरीडे यूज़ करने से ना बहुत, मैं इसको एवरीडे यूज़ नहीं कर पाती, हफ्ते में मैं 3-4 बार यूज़ करती हूँ, बट मैंने यूज़ करके देखा है ऐसे प्रॉपर 1 वीक 7 का 7 दिन स्किन पे इतना सुंदर ग्लो आता है और टैनिंग कितनी इजीली निकल जाती है। सो अगर आप वुड बी ब्राइड हो या कि पहचान में कोई ब्राइड होने वाली है या आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई स्पेशल ओकेशन है, डे है, आपका बर्थडे है, तो आप इसको खरीद सकते हो एंड कुछ दिन के लिए एकदम रेगुलर यूज़ करोगे, स्किन से टैन निकल जाएगा, स्किन पे बहुत ब्यूटीफुल ग्लो आ जाएगा और आप मुझे थैंक्स बोलोगे। इसके स्किन डैमेज भी नहीं होती है, काफ़ी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, काफ़ी क्रीमी मक्खन जैसा है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको उसका टेक्सचर, सी एकदम ना वो मक्खन जैसे है, ये क्रीमी है एकदम। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि समर के टाइम में बहुत टैनिंग हो गई है, स्किन काफ़ी डल और अजीब सी लग रही है, तो मैं ना इसे रात में अपने मुंह पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ पूरा फेस पर और छोड़ देती हूँ, सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे उठ के जब मैं फेस वॉश करती हूँ, खाली पानी से ही ना ये निकलता है ना स्किन के ऊपर से, अलग सा ऐसा लगता है पूरा टैन कितना निकाल दिया है, स्किन में जान डाल दी है, ये इतना अच्छा है। मतलब मैं ऐसे कुछ 4 साल से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और एक नया अभी मेरे पास ये ख़त्म ही नहीं हुआ है फिर भी, तो आप वो देख के समझ सकते हो कि कितना अच्छा होगा। तो या ये था मेरा लास्ट आइटम, ये वीडियो हो सकता थोड़ी सी बड़ी हो गई हो बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट थे, सबके मैंने मिनी मिनी रिव्यू भी दिए। एंड आई होप ये वीडियो को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।